नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। इस समय हम मौजूद है वसई डीसीपी जोन 2 कार्यालय के बाहर। यहां कुछ लोग आंदोलन पर बैठे हैं। इस आंदोलन का वजह क्या है, अगर ये जानना चाहे तो, पिछले सप्ताह में कामन क्षेत्र में एक हादसा हुआ। एक कंस्ट्रक्शन साइट पर, जहाँ की अनाधिकृत तौर पर कंस्ट्रक्शन जारी था, और उस कंस्ट्रक्शन साइट पर दीवार गिरने से एक महिला की मौत हुई। उस महिला की मौत को किस तरह से दबाया गया और किस तरह से उस पूरे मामले पर लीपापोती की गई। हालांकि उस मामले में बाद में FIR भी दर्ज हुई, शिवसेना पार्टी ने इनिशिएट लिया तो FIR भी दर्ज हुई, लेकिन जिस तरह से कार्यवाही होनी चाहिए थी कार्यवाही नहीं हुई। इसी बात को लेकर वसई के सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ एडवोकेट अनिल चौहान जी है, उनसे मुलाकात करते हैं। उनके साथ जो अशोक वर्मा जी है, सबसे हम बारी बारी बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या विषय है। अनिल जी, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। अनिल जी, क्या विषय है आज ये आंदोलन पुकारा गया है? ये आप देख रहे हो, ये आंदोलन जो है, ये आपने तभी कहा कि एक महिला की मृत्यु हुई, मैं उस पर ऐड करना चाहूंगा कि एक आदिवासी महिला की मृत्यु हुई और एक आदिवासी बच्ची की मृत्यु हुई। जिस महिला की मृत्यु हुई उसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी, और इसके पहले भी पेलर में भी इसी तरह से एक आदिवासी मजूर, जो भी 25 साल का मजूर था, उसकी भी मृत्यु हुई थी। आप देखोगे कि जो अनाधिकृत बांधकाम चल रहे हैं, इसमें काम करने वाले ज्यादातर जवार मोखाड़ा वो साइड से आए हुए आदिवासी है, उनसे काम करवाया जाता है और उनके जान की कोई सेफ्टी नहीं होती है। ये जो अनाधिकृत बांधकाम आज चल रहा है, ये आयुक्त के आदेश पे अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त है, अभियंता है, सब मिलकर इन आदिवासियों की जान ले रहे। जो आपने गुना दाखिल हुआ और हम ही गए थे गुना दाखिल करवाने के लिए, लेकिन उस गुने में सीधी जरा से वहां पे सहायक आयुक्त हो, अभियंता हो या उपायुक्त, उनको बचाया जाए। ये मैं आपके सामने एक शासन का GR है, 2009 का ये GR है, 2009, इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जो क्षेत्र में अनाधिकृत बांधकाम होते हैं, उस बांधकाम के लिए वहाँ के प्रभारी, वहाँ के सहायक आयुक्त और अभियंता जवाबदार है। जब आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स है, फिर भी आपने, मतलब मैं पुलिस को यह सवाल कर रहा हूँ कि फिर भी आपने उनके खिलाफ, सहायक आयुक्त हो या अभियंता, उनके खिलाफ दाखिल क्यों नहीं किया? इसके लिए नहीं किया क्योंकि आपने भ्रष्टाचार किया। हमने सुना है आपको हमारे ऊपर डिफेमेशन का केस करना है, आप कर दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लड़ने वाले लोग हैं। आपने 40 लाख रुपए का सौदा करके, ये बात आई है सामने, 40 लाख रुपए का सौदा करके एक आदिवासी महिला की जान ली है। और उसमें और एक चीज मैं आपको कहूंगा कि FIR कब हुआ, 4 तारीख की ये घटना है, 4 तारीख को ये घटना होती है, 4 तारीख के बाद आप 7 तारीख को FIR करते हो। 3 दिन आपने उस आरोपियों को क्यों दिया, महानगर पालिका के अधिकारियों को क्यों दिया, सारे पुरावे नष्ट करने के लिए? और इसमें और एक भयंकर चीज है, आपने पिक्चर में देखा होगा, उन्नाव कांड आपने सुना होगा कि किस तरह से दलित और आदिवासियों के ऊपर अत्याचार किए जाते हैं। उस बच्चे, जब उस महिला 22 साल की जो महिला की मृत्यु हुई, उसका कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ, उसको सीधा उठा के उसके जवार को ले जाके वहां उनको जला दिया गया, और पूरी तरह से इसको, ये घटना को ही नष्ट करने का काम यहाँ के पुलिस ने और महानगर पालिका के अधिकारियों ने किया। भूमाफिया बहुत है, बहुत अनाधिकृत बांध कम करते हैं, एक भूमाफिया नहीं है, इनको संरक्षण किसका है? जब तक महानगर पालिका, पुलिस प्रशासन इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती, तब तक हजारों आदिवासी, सैकड़ों आदिवासियों की यहाँ पे जान जाएगी। और उसके साथ में कहता हूँ, उस अनाधिकृत बांधकाम में जो लोग रहने जाने वाले, उनके भी जान, और इस सारे जिम्मेदार यहाँ का प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, महानगर पालिका प्रशासन है। आपकी बात में कुछ चीज में और ऐड करना चाहूंगा। जैसा आपने कहा कि पुरावे नष्ट करने की, अमूमन तौर पर महानगर पालिका डिमोलिशन कार्यवाही करती नहीं है, लेकिन वो क्राइम सीन था, जहाँ एक हादसा हुआ वो क्राइम का ही पार्ट है, वहां पर डिमोलिश करके सब चीज को हटा दिया गया, ये भी क्या महानगर पालिका की सोची समझी साजिश है? सबसे करप्ट, इस देश की सबसे करप्ट, भ्रष्ट और मूर्खुद अगर महानगर पालिका होगी तो वो वसई विरार महानगर पालिका है। इसी सिलसिले में मैं आयुक्त के पास जब मीटिंग करने गया था, उनको कहा कि ये घटना हुई है, आपकी जानकारी में नहीं है, तो मुझे कहते कि नहीं, मुझे एक टीवी के पत्रकार ने फोन किया, तभी मैं सुना और मैं शॉक हो गया। तो इस बातचीत को आज 6 दिन हो गए, उन्होंने कहा कि मैं सहायक आयुक्त के ऊपर गुना दाखिल करता हूँ, मैं इंजीनियर को
काम से मतलब सीधा से बर्तरफ कर देता हूँ, उनको सर्विस से ही रेस्टिकेट करता हूँ। आज 6 दिन हो गए लेकिन आयुक्त ने भी कोई पहल नहीं, क्योंकि मुझे इस डाउट है कि आयुक्त को भी मैनेज किया गया है। इस तरह से ये महानगर पालिका काम करती है, इस तरह से ये सबको प्रोटेक्ट करती है। पूरे वसई विरार की आज जो पूरी तरह से जो वसई विरार बर्बाद हो गया है, जो नागरिक व्यवस्था बर्बाद हो चुकी है, इसके साथ सारा जिम्मेदार यहाँ पे आयुक्त उपायुक्त और जो महापालिका के अधिकारी है, और उनको साथ देने का काम ये पुलिस प्रशासन करती है। साफ तौर पे डॉक्यूमेंट में दिखता है कि ये सह आरोपी हो सकते हैं, सहायक आयुक्त अभियंता सह आरोपी हो सकते हैं, फिर भी इनको बचाने का काम, वो बोलते हैं ना चोर चोर मौसेरे भाई और मिल बांट के खाए मलाई, उस तरह से यहाँ पे चल रहा है पुलिस प्रशासन और महापालिका प्रशासन। यहाँ पे आदिवासियों की जान ले रही है, यहाँ पे लाखों लोगों का आगे का जान का खतरा इन लोगों की वजह से निर्माण हो रहा है। आप देखे होंगे कि 41 बिल्डिंग का आप उस दिन उस कवर करने में थे, 41 बिल्डिंग का आज उस 41 बिल्डिंग के जो अनधिकृत बांधकाम के जो लोग है उनका दोष क्या है? उन्होंने 4-5 लाख रुपए जो पैसे देके घर खरीदा होगा, लेकिन उस घर बनाने में, वो अनधिकृत बनाने में हाथ किसका है? पुलिस ने भी पैसा लिया होगा, महापालिका ने भी पैसा लिया होगा, सब ने पैसा लेके वो बनने दिया, तो इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? सिर्फ गरीब बेघर ये होता है, बेघर हो जाता है, ऐसे आदिवासियों की जान जाती है। और खिलाफ मैं अपने शिवसेना का काम है, पॉलिटिकल पार्टी को भी आह्वान करता हूँ कि आप लोग इसके आवाज क्यों नहीं उठाते? यहाँ का जो विरोधी पक्ष है वो आवाज क्यों नहीं उठाते? चुपचाप क्यों बैठे हो? आप आदिवासी के हित चिंतक हो, आप दलितों के हित चिंतक हो, आप जनता की बात करते हो, आपको इलेक्शन लड़ना है, तो इस मुद्दे पे आप क्यों नहीं लड़ इस मुद्दे पे आप रस्ते पे आके क्यों नहीं लड़ते हो? आदिवासी की यहाँ पे जान जा रही है, यहाँ पे लाखों लोग बेघर हो रहे हैं, और यहाँ के सारे राजनेता, मैं अपने पार्टी के भी लोगों को कहूंगा कि सारे राजनेता यहाँ पे चुपचाप क्यों बैठे, आप क्यों आवाज नहीं उठा रहे हो? तो हम बात कर रहे थे अनिल चौहान जी से, अब अशोक वर्मा जी से बात करते हैं और उनका क्या इस पे कहना है जानते हैं। उसके पहले वर्मा जी एक सवाल ऐसा है कि अभी अनिल जी ने जो कहा कि यहाँ पर हादसे होते और सहायक आयुक्त या इंजीनियर के ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए, लेकिन एक जो हादसा मेरी जो जानकारी में 2 साल पहले बारिश की वजह से हादसा हुआ था राजावाड़ी में, वहाँ वगराल पड़ाना जहाँ एक घर गिरा था, और उस समय वहां पर तैनात जो इंजीनियर था उसका बदली कर दिया गया था दूसरी जगह, अभी फिलहाल वापस उसी इंजीनियर को वही प्रभाग वाली में लाया गया है, उसी प्रभाग में, इस पर क्या कहना है? किसी अधिकारी को बदली करना ये सामान्य प्रक्रिया है, ये सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए किया जाता है कि भाई हमने उनको सजा दे दी, सजा नहीं है, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। बदली से कोई अधिकारी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, बदली होता रहता है। रह गई सोचने की बात, यह है कि इस देश में संवेदनशीलता बची कि नहीं बची है? समाज के निचले पायदान के लोगों को ऐसा ट्रीट किया जा रहा है जैसे कीड़े मकोड़े हों। कोई आदमी मर जाता है, उसका पोस्टमार्टम नहीं कर रहे, सबूत से छेड़छाड़ कर रहे, आप बराबर FIR नहीं लिख रहे, ये क्या हो रहा है? एक सिंडिकेट है, इसमें पुलिस भी मिली हुई है, महानगर पालिका के अधिकारी मिले हुए हैं, और खूब मलाई खा रहे हैं, और आम आदमी को रोड पे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। आज सोचिए कि जो शेड्यूल ट्राइब है, आदिवासी लोग जो है, उनको अपने संविधान में प्रोटेक्शन दिया गया है, फिर भी उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं होता, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, हो सकता है किसी ने मार दिया हो तो, वो किसी ने जहर खिला दिया हो तो, बाद में जो दीवार गिरा के दबा दिया गया हो, एक्सीडेंट दिखाया गया, तो यहाँ सवाल ये उठता पुलिस प्रशासन के ऊपर कि विदाउट पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया गया? ये भी तो सत्यता हो सकती है कि भाई उसको कोई जमीन हो या कोई प्रॉपर्टी हो तो कब्जा करने के लिए उसको जहर दे दिया हो गया, मार दिया गया हो तो यह सवाल ये है कि आप कितने संवेदनशील हो या संवेदनशील हो, आपको ये नहीं दिखता है कि समाज के सबसे निचले पायदान पे जो लोग हैं उनको हमको सुरक्षा देनी है, उनको हमको अपने बराबर लाना है, अपलिफ्टमेंट करना है, लेकिन उनको ऐसा आप ट्रीट करो जैसे वो कीड़े मकोड़े को मारते हो, आप पैर के नीचे मर गया उसकी कोई हैसियत नहीं? तो यह सवाल ये बैठता है, पुलिस प्रशासन इतना निष्क्रिय हो गया, ये DCP मैडम जब से आई है तब से इन भ्रष्टाचार इनके अलावा कुछ इनको आता ही नहीं है, उनके हस्बैंड उधर देवेंद्र फडणवीस के OSD हैं, उधर माल छपा रहे हैं, ये आराम सबका तबादला हुआ बट इनका नहीं हुआ, क्यों? सिर्फ हर जगह से पैसा कलेक्शन करना। इनको नहीं दिखता है कि वो आदिवासी महिला मर गई, वो बच्ची मर गई, इनको नहीं दिखता है? कुछ लोगों ने उसे सबूत नष्ट किए, इनको नहीं दिखता है? इनको महानगर पालिका को बनाना चाहिए, प्रॉपर उनके ऊपर जो सबूतों से छेड़छाड़ किया उसकी भी सेक्शन लगाने चाहिए, एट्रोसिटी में भी बुक करना चाहिए उसको, तब जाके उनको कम से कम उनके साथ खड़े तो हो। इतनी बेशरम लोग है, यहाँ आंदोलन चल रहा है तो अभी तक आने का नहीं, बात ही नहीं करने का कि प्रॉब्लम क्या है। तो आप समझ लो जो प्रशासन है आज का, वो तो प्रशासन सामान्य आदमी को आदमी मानता ही नहीं है,
मान लिया जाए कि FIR में आप जो मांग कर रहे हो वो सब चीज ऐड भी कर ली जाए, तो कल को उसकी जांच भी इन्हीं लोगों को करनी है, यही प्रशासन को करनी है, तो क्या उम्मीद है कि प्रशासन उस तरह से जांच कर पाएगा? पहली बात ये कि कम से कम जो करना है उतना तो करें, FIR तो करें, ठीक है, उसके बाद नहीं होगी तो फिर हम देखेंगे, एक दिन का आंदोलन करेंगे, दो दिन का आंदोलन करेंगे, सवाल है पैदा, इनसे उम्मीद नहीं है कोई भी। जब तक ये मैडम यहाँ है या मधुकर पांडे जैसा सीपी यहाँ है, तब तक किसी आदमी को न्याय की उम्मीद नहीं है। ये सिर्फ सिर्फ अपना कालर टाइट कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और ये भ्रष्टाचार की रकम जो है ना देवेंद्र फडणवीस तक जाती है। मैंने उनके मोबाइल पे ये सारी सूचना डाली, कोई रिएक्शन नहीं है। यहाँ के कलेक्टर के मोबाइल पे हमने डाली, ये पालघर डिस्ट्रिक्ट आदिवासी डिस्ट्रिक्ट घोषित है, तो भी यहाँ पे अगर किसी आदिवासी के साथ कोई इस तरह की घटना हो रही तो कोई आवाज ही नहीं उठेगा। तो मेरा आपका जो कहना है बिल्कुल सही है कि FIR लिख भी लेंगे तो जांच नहीं करें, ऐसे बहुत सारे मैटर हैं, ऑलरेडी जांच नहीं करते हो माल, लेकिन कम से कम शुरुआत तो हो, वो कम से कम उसका परिवार हो सकता है किसी कोर्ट में चले जाए, उसको डैमेजेस मिल जाए, कुछ कंपनसेशन मिल जाए, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन ये लिखेंगे नहीं तो उसके हाथ पे क्या आएगा? एक आम सामान्य आदमी के पास क्या साक्ष्य है बताइए मेरे को आप? उसको तो डरा के यहाँ से भगा दिया और उसका अंतिम संस्कार भी करा दिया। तो ये जो उसके साथ काम कर रहे थे, बराबर FIR लिखनी चाहिए, उन लोग के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहिए और इनको लाना चाहिए कोर्ट में, ये जो भी है उनके पीछे। और सबसे आखिरी सवाल कि 3 दिन तक पुलिस उस मामले में FIR नहीं करती है, तो कहीं ना कहीं जो आरोपी अगर बाद में उसके ऊपर FIR भी होती है तो उसको पहले ही प्रोटेक्शन मिल जाए, कोर्ट से वो बेल वगैरह ले ले, इस सब की वो साठ गांठ वो चीजें है क्या? यस बिल्कुल बिल्कुल, उससे संभावना से इनकार नहीं किया जाता। आजकल पुलिस ही बेल दिलवाती है, पुलिस ही अरेस्ट करती है और पुलिस बेल दिलवाती है, उसके पीछे माल पैसा दे दो, पुलिस खुद कोर्ट में हल्का फुल्का जवाब दे देगी और आपको बेल मिल जाएगी। बहुत जब मैटर में ऐसा हो रहा है, पुलिस खुद एडवोकेट अपॉइंट करके दे देती है कि जाओ बेटा हम तुम्हारा बेल करवा देंगे, ऐसा भी हो रहा है। यहाँ बहुत सारे एडवोकेट हैं जो पुलिस की शर्म बात उन वर्कों के लिए भी है, उन वालों के लिए भी है कि जो संविधान ने उनको ड्यूटी दी वो ना करे तो काम करते। आज ये बेल मिल जाना, छोटे सेक्शन लगा दिया बेल मिल जाएगी उसको, बोलेंगे कोर्ट ने बेल दे दी हम क्या करें? अरे तुम प्रॉपर उसको बुक करो ना, इसे उसने इतना बड़ा घटना दे दिया, इसका मतलब क्या है? ये व्हाइट कलर क्राइम है, ये मर्डर है। अगर तुमने सबूत से छेड़छाड़ कर दिया, एक्सीडेंट तुमने तो जानबूझ के उसको छोटा किया है, हमको तो बोलते हैं मर्डर है क्योंकि तुमने पोस्टमार्टम किया नहीं है ना, तो यहाँ मर्डर के चार्जेस लगने चाहिए इनके ऊपर, सबूत नष्ट करने के चार्जेस लगना चाहिए और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, लेकिन करेंगे नहीं क्योंकि सबको सबका हिस्सा मिल चुका है। अभी अनिल जी बता रहे थे 40 लाख रुपया नायागांव पुलिस स्टेशन को मिला, तो आप क्या समझते हो मैडम को नहीं मिला होगा या अनिल पवार को नहीं मिला होगा? इसलिए चुप है क्योंकि इनकी नजर में पैसा ही माई बाप है इनका, आम आदमी को नहीं। आप लगा रहे हो कुछ सबूत है इसके? सबूत आज की तारीख में जो पैसा मिलता है, आग बोलते ना जहाँ धुआं होता है वहाँ आग जरूर होती है, तो ऐसे ही नहीं लोग बोल रहे हैं। फिर क्या कारण है कि ये उनके ऊपर हल्के सेक्शन लगा रहे हैं? अगर इन्होंने पैसा नहीं लिया तो क्या कारण है कि ये जो FIR यहाँ लोग बैठे हैं बात नहीं कर रहा है, पुलिस प्रशासन भी बात नहीं कर रहा है, महानगर पालिका भी बात नहीं कर रहा? इसका मतलब है कि पब्लिक को अपना प्रिजम्पशन ड्रा करने का अधिकार है, तो ये जो कुछ भी बातें चल रही झूठी तो नहीं है, ऐसा उनके रिश्तेदार तो नहीं है, वो जो भी बिल्डर है उसके रिश्तेदार हैं, कह लो ये उनके घर वाले हैं, ऐसा बिना पैसे के नहीं बचाएंगे, पैसा दिया तो बचा रहे हैं। तो ये काफी बड़े आरोप लग रहे हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि आरोप पूरी तरह से सही है, या हम ये भी नहीं कहेंगे कि आरोप गलत है, क्योंकि जैसा अभी कहा गया कि धुआं उठता है तो कहीं ना कहीं आग लगती है, ऐसी बात कुछ एक दो मामले ऐसे ही मेरे संज्ञान में है, उनका भी मैं यहाँ करके आपको जिक्र करके खत्म करना चाहूंगा। एक मामला है मांडवी पुलिस स्टेशन की हद का, जहाँ मेरी एक कंप्लेन थी, उस कंप्लेन पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ और उस भ्रष्टाचार में कई लोग शामिल है, बड़े बड़े अधिकारी शामिल है। उस कंप्लेन पर मांडवी पुलिस स्टेशन मुझे एक पत्र देती है ये कहकर कि आप इस मामले से सीधे कहीं पे भी इस मामले में आते नहीं हो, त्रेष्ठ पक्ष हो, इसके लिए शासन का एक GR है 2019 का कि त्रेष्ठ पक्ष की हमें जांच नहीं करनी है और वो जांच बंद कर दी जाती है। मेरा सवाल यह है कि पत्रकारिता में त्रेष्ठ पक्ष कहाँ से आया? ये मेरा पुलिस प्रशासन से सवाल है। पत्रकारिता पत्रकारिता है, हमने सवाल उठाया, भ्रष्टाचार का मामला उजागर किया, आपको जांच करना है आप कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, हमें उसका कोई फर्क नहीं है। दूसरा एक मामला है जो भी फिलहाल सामने आया है अरनाला पुलिस स्टेशन का। अरनाला पुलिस स्टेशन में एक इल्लीगल बिल्डिंग जहाँ की 400 BC हुई है और लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है,
गलत डॉक्यूमेंट के आधार पर बिल्डिंग बनाई गई है, उस मामले में सिर्फ MRTP दाखिल किया है जबकि फॉर्जरी दाखिल नहीं किया है। तो ऐसे कई मामले हैं, उन सब मामलों पर हम जाएंगे, उनकी वही तो अलग से स्टोरी भी करेंगे। आज का ये मामला था इनके आंदोलन का, हमने आपको दिखाया। इस खबर के बारे में आपकी राय क्या है हमें कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।